नमस्कार, मैं सुधा आचार्य, प्रधानाचार्य, आईटीएल पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। बच्चे, आज मैं आपके सामने ये जो वैश्विक महामारी विश्वव्यापी हमारे लिए बहुत तनावपूर्ण परिस्थिति लेके आए हैं, उसको हम कैसे झेलें, ये जो मानसिक संतुलन कैसे हम मेंटेन करते रहे, बनाए रहते रहे। आप लोग स्कूल से दूर हो, अपने अपने घरों में बंद हो, आपकी पेरेंट्स भी घर में हैं, ये सब के लिए हम लोग बहुत तनावपूर्ण और एक भयभीत माहौल में है कि आगे क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म तो हो गया है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। सो हम सभी आगे के लिए वेट करके हैं कि हमारा क्या होगा। सो इस सिचुएशन से हम अपनी मानसिक संतुलन को खो देना बहुत स्वाभाविक है। सो आज मैं आपके समक्ष 5-6 ऐसे स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिसके द्वारा आप अपने मन को थोड़ा सा शांत और स्वाभाविक रख सकते हैं। पहला है कि आप एक रूटीन फॉलो करिए, क्योंकि स्कूल नहीं है, हम सोते रहेंगे या सोफा के ऊपर बैठ के टीवी देखते रहेंगे या वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, ये तो समय की बहुत आप ठीक से उपयोग नहीं करेंगे। सो मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगी, एक्सरसाइज, आपकी डाइट एंड आप 7-8 घंटा नॉर्मल सोना चाहिए। सो एक्सरसाइज, जब आप सो के उठें, आप योगाभ्यास कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, कुछ डांस सेशंस कर सकते हैं। ये सारे सेशन ऑनलाइन उपलब्ध है, आपकी टीचर्स भी आपके लिए भेज रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। सो आप जब खाना खाएं, वो एक संतुलित आहार होना चाहिए, जैसे सारे विटामिन सी या जिंक जो हमें इन्फेक्शन से बचाए, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, ऐसे वाले खाना खाएं। और दिन में आप 7-8 घंटा जरूर सोएं। सो ये 3 चीज़ की जरूर ध्यान रखिएगा। सेकेंड बातें मैं रखूँगी वो है एक कोई नया हुनर सीखे, न्यू स्किल, या कोई नया चीज़ सीखे जो आपको रिलैक्स करे। आप एक न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप ब्रेन जिमिंग कर सकते हैं, और या आप कोई किचन गार्डन में कुछ काम कर सकते हैं, बालकनी में जो पौधा है उसकी केयर ले सकते हैं। आप अगर गाना गाते हैं या डांस करते हैं या आप ड्राइंग करते हैं, उसको और ज़्यादा अभ्यास करिए ताकि आप परफेक्शन मिले आपको। सो ये टाइम को सदुपयोग करिए और बहुत अच्छे से कुछ आपकी जो हॉबी है उसको प्रैक्टिस करें, या कोई नया हुनर ज़रूर सीखिएगा। थर्ड पॉइंट है, आप एक फैमिली टाइम क्रिएट करें। फैमिली के सारे मेंबर एक साथ, हम लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, एक साथ खाना बना सकते हैं, एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। चले हमारी फैमिली को एक एंगर फ्री जोन करें, हम एक दूसरे के साथ सहमत होके अच्छे से सारे परिवार को सपोर्ट करें। आपकी पेरेंट्स भी अभी बहुत तनावपूर्ण परिस्थिति में गुजर रहे हैं, वो घर भी संभाल रहे हैं, अपने ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर आप उनको थोड़ा हेल्प कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सारे फैमिली मेंबर बैठ के अगर बातें करें, आपकी पुरानी बातें हर फैमिली मेंबर की, जो आपको अंदर से बहुत खुश रखेगा। सो अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप अगर ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस, ये जो प्रैक्टिस है उसको बनाए रखें। घर में जितने सदस्य हैं सबको, सबकी आप आभार प्रकाश करें, स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हमारे जो एसेंशियल सर्विस हमें देते हैं, जिनके लिए हम घर में सेफ रह चुके हैं, रहते हैं अभी, तो उनके लिए आभार व्यक्त करें। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये आपको और एम्पैथेटिक और काइंड ह्यूमन बींग बनाएंगे। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस, आप जब योगाभ्यास करते हैं, अपने जो श्वास प्रणाली है या प्राणायाम करते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, या जब खाना खाते हैं माइंडफुल ईटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाए उनके लिए आभार व्यक्त करें, और खाना को आप प्रॉपर वैल्यू दे के खाएँ, उसकी रिस्पेक्ट करें, ये माइंडफुल ईटिंग होता है। सो माइंडफुलनेस आपकी मन को बहुत शांत बनाता है। अगर मन शांत रहे तो आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एनालाइज कर सकते हैं, आपकी मानसिक विकास होगी। सो माइंडफुलनेस जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और एक बात है, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जरूर देखभाल करिए।
आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी अगर साथ में रहते हैं तो उनको समय समय पर दवाई दीजिए, उनकी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, सो दैट आपकी पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प हो जाएंगे। जितने एल्डरली मेम्बर्स हैं आपके अराउंड उन सब की आप हेल्प करिए, उनकी जो वास्ट एक्सपीरियंस है उनसे भी सीखें, वो भी ज़रूर आपसे एक दो चीज़ सीखेंगे। सो जितने बुजुर्ग हैं उनकी ज़रूर सहायता करें, आपकी बालकनी में, आपकी लिविंग रूम में अगर प्लांट्स से उनके साथ बात करिए, उनकी भी केयर करिए। अगर आपके पास आप पेट रखे हो तो उनकी भी आप केयर करें। नेक्स्ट है, आप एक डायरी मेंटेन करें। डायरी के द्वारा आप अपनी मन की जो परिस्थिति है, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशन को, आप किस किस एक्सपीरियंस से जा रहे हैं, इस सब को आप लिख सकते हैं। एंड इसके लिए आपको कोई जज नहीं कर रहा है, कोई आपके लिए ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। जब ये सिचुएशन गुजर जाएगी, हम फिर से हमारी डायरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो तनावपूर्ण परिस्थिति है इससे हम कैसे ऊपर उठ चुके हैं। एंड आपकी जो टीचर्स हैं, हालांकि आप अभी फिजिकली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वो कोलाहल, आपकी वो हंसी, आपकी एक साथ मिलके काम करना, प्लेग्राउंड खाली है, कैंटीन खाली है, क्लासरूम खाली है, सो हम आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। आप ही तो स्कूल की हार्ट एंड सोल है, फिर भी आपकी टीचर टेक्नोलॉजी की सहायता से आपके साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट किए हैं। हर रोज़ वो आपको कुछ ना कुछ अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ लेसन, कुछ सेशन सब्जेक्ट के बारे में भी दे रहे हैं और लाइफ स्किल के बारे में भी दे रहे हैं। आप इसका जरूर उपयोग करिए। एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसे पढ़े, अच्छा किताब पढ़े, कोई न्यूज़पेपर पढ़े ऑनलाइन, कोई बुक रिव्यू करे, कुछ ना कुछ मानसिक कार्य में आप व्यस्त रहे, जिसके द्वारा आपकी मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। कीप योर सेल्फ हैप्पी। अगर आप सबकी सहायता करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे एंड सबको एक साथ जुड़ के फैमिली में रहने की ट्राई करेंगे, हम सब मिलके ये परिस्थिति से जरूर ऊपर उठेंगे। सो मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ, आप एक रूटीन फॉलो करिए, फैमिली टाइम क्रिएट करिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बी माइंडफुल, एक डायरी मेंटेन करिए, घर में जितने बुजुर्ग हैं सबकी सहायता करें। थैंक यू।